बात इसी को आती हो 171। ओके गुड, डू ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट। फिफ्थ नंबर इज 106 ये कॉपी में बनाना है आपको, सीडब्ल्यू कॉपी। यू हैव टू राइट इट इन योर सीडब्ल्यू कॉपी। ओके, you have to do it, fill in the blanks. Today we learned you in offline class the property of addition. On the basis of property of addition, you have to do it these questions. Fill in the blanks. Yes, write it in your CW copy. Okay. Write message on chat box of your answers. आंसर का आप मैसेज चैट बॉक्स में कीजिए। राइट मैसेज योर चैट बॉक्स। व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। The answer of first fill in the blanks. Yes. If you have to, you can write message on chat box. 15. 15. Very good. Right answer, Siddharth Raj. Yes, 15 is the right answer. Next. Okay, Shaurya Raj ka bhi hai 15 answer. Good. The answer is right. Good. Aditya Raj, Nabya Sharma, sabka answer 15 hai. Very good. Chaliye. Next. Second ka answer bataiye. Okay, very good. Which property here applied? कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ सेकेंड का? 530। वेरी गुड नव्या, है ना? नव्या का आंसर आ गया सेकेंड का। प्रिंस का भी आ गया प्रिंस, बट यू राइट 503 विच इज रॉन्ग। 530 इज द राइट आंसर। ओके, 530 इज राइट आंसर। मैंने आज क्लास में आपको प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करवाया था, उसी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने आज अभी आपको ऑनलाइन क्लास में दिया हूं, ठीक है? तो जिन्होंने आज क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ा है, लिखा है, उनसे ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे, ठीक है? ओके okay.
लेट सी, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि इफ वी इंटरचेंज द नंबर ऑफ, इफ वी इंटरचेंज द नंबर द प्रोडक्ट रिमेन सेम. देखिए 15 देयर इज 15 एंड 17, 15 प्लस 17 है, ठीक है, एंड इक्वल टू साइन है. आपको किस चीज का साइन है? इक्वल टू का, यानी कि आपको ये दोनों का ऐड करने पे जो भी वैल्यू आएगा इन दोनों का वैल्यू के बराबर आएगा. इट मींस दैट कि देयर इज अ 17, इट मींस कि 17 इज देयर, 15 यहां पे होना चाहिए, ठीक है. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 15. सेकंड का ये 836 प्लस व्हिच नंबर वी प्लेस देयर सो दैट द वैल्यू ऑफ 530 प्लस दिस मे बी इक्वल. तो वैल्यू जो होगा हमारा यहां 436 है, यहां नहीं है, यानी 436 है एंड दिस 530 इज देयर. तो क्या होगा? देयर इज इंटरचेंज द डिजिट. डिजिट यहां पे क्या है? इंटरचेंज कर रहा है. तो फर्स्ट ऑर्डर पे बैठा है 436 देयर इज इन फर्स्ट ऑर्डर एंड 530 इज देयर इज ऑन सेकंड ऑर्डर. इफ ऑर्डर इज इंटरचेंज, ऑर्डर क्या हुआ? चेंज हो रहा है. 436 फर्स्ट था, वो सेकंड पे आ गया, और 536 जो सेकंड ऑर्डर पे बैठा हुआ था वो 530 पे आ गया फर्स्ट ऑर्डर पे. ऑर्डर चेंज करने से हमारा ऐड जो है वो चेंज नहीं करता, सेम रह जाता है. इसलिए हम लोग क्या किए, ऑर्डर को चेंज करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है. थर्ड नंबर में आइए, देयर इज 93 एंड देयर इज 43, ठीक है. 93 इज इन सेकंड ऑर्डर पे, ये क्या है? सेकंड ऑर्डर पे बैठा हुआ है. फर्स्ट ऑर्डर पे कौन सा डिजिट होगा ये मालूम नहीं, ठीक है. बट देयर इज अ साइन ऑफ इक्वल टू, इक्वल टू का साइन, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पे जो नंबर है हां वो आ जाएगा सेकंड ऑर्डर पे, है ना. तो देयर इज अ 93 93, यहां पे 93 हो जाएगा और देयर इज 43. बिकॉज इफ वी चेंज द नंबर्स या नहीं भी चेंज करें तो हमारा जो सम होता है वो हमेशा ऐड का होता है, इक्वल होता है. फोर्थ नंबर में आइए, फोर्थ नंबर कहता है कि व्हिच नंबर प्लेस देयर सो दैट द जीरो इफ वी ऐड जीरो टू दैट नंबर वी गेट इटसेल्फ नंबर. सेकंड नंबर प्रॉपर्टी यही कहता है, इफ वी ऐड जीरो इन एनी नंबर वी गेट इटसेल्फ नंबर. यानी जीरो ऐड किया जा रहा है किसमें? किसी नंबर में. तो उसको नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा सेल्फ नंबर मिलेगा. तो देट की 20 मिलना है, तो 20 सेल्फ नंबर है, सो दैट 20 इज हियर. यहां पे कौन सा नंबर आएगा? 2020 आएगा. नेक्स्ट फाइव नंबर में आइए, 171 में क्या ऐड कर दें ताकि उसका वैल्यू जो है 171 ही रह जाए, इटसेल्फ आ जाए. यानी कि हम यहां पे जीरो प्लेस करें, क्लियर है, जीरो प्लेस करेंगे. सिक्स नंबर में आइए, 106 प्लस व्हिच नंबर भी ऐड सो दैट 110 प्लस 106, यानी कि ये हमारा डिजिट क्या हो रहा है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटरचेंज कर रहा है, तो हमारा 106 चला गया सेकंड पे, यानी 110 आ जाएगा यहां पे सेकंड पे जो फर्स्ट पे. दिस इज द क्लियर है एनीवन? किसी को नहीं समझ में आया जल्दी बोलो राइट मैसेज. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसको फिर से बता दूं, ठीक है. अगर आपको समझ नहीं आया तो बताइए. आदित्य वीर सिंह, आदित्य वीर सिंह, विच क्वेश्चन समझ में नहीं आया जी? आज क्लास आप आए थे क्या? आप आज क्लास आए थे, आपने प्रॉपर्टी लिखा था. अगर आपने क्लास आया तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका, फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि इफ वी इंटरचेंज द नंबर ऑफ डिजिट, है ना. अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज द प्लेस ऑफ द नंबर, प्रॉपर्टी का क्या लिखा हुआ, इफ वी इंटरचेंज द place of numbers. If we interchange the place of numbers, then sum remains same. क्या होता है? The sum remains same. यही ना property first था. The sum remains same. क्या? वही चीज़ यहाँ
Do some more problem. Can I erase board? Can I erase board? Okay, very good. Okay. Do some more problem. इसी टाइप का कुछ और प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप बनाइए, ठीक है? फर्स्ट नंबर, ठीक है? 150 प्लस फिलिंग द ब्लैंक इज इक्वल टू 100, ठीक है? सेकेंड है 270 प्लस 250 इज इक्वल टू 250 प्लस थर्ड इज 30 प्लस इज इक्वल टू 20, थर्टी प्लस 79 प्लस फिलिंग द ब्लैंक इज इक्वल टू 79, फिफ्थ क्वेश्चन इज 85 प्लस फिलिंग द ब्लैंक इक्वल टू 65 प्लस, बनाइए, लेट डू, बनाइए तो जल्दी, अब बन जाएगा सबसे। Write your answer on chat box. Write the answer. आप आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आया आपका?
एक्सीएम ऑन आप जीरो आया फर्स्ट का, वेरी गुड सुनील सिद्धार्थ, शौर्यराज 217 गुड, 217 सही है सिर्फ शौर्यराज है ना, ठीक है। फिर जीरो आया सौर्य राज सही है, फर्स्ट का जीरो सही है जी। अब समझ में आया कैसे बनेगा, फर्स्ट में जीरो ठीक है और सेकंड में आपका 217 आ गया है, ठीक है वेरी गुड। ओके सही है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बोलिए, व्हाट इज द आंसर ऑफ थ्री, थर्ड में क्या होगा आंसर, थर्ड का आंसर क्या होगा, ट्वेंटी एंड थर्टी रुद्र प्रताप का है, 20 एंड 30 यस गुड, 20 और 30 होगा थर्ड का गुड सही है ना, थर्ड का आंसर भी आ गया जी। अब समझ गए तुम लोग है ना कैसे बनेगा, यही प्रॉपर्टी है नंबर इंटरचेंज करें सम हमेशा सेम रहता है, ऐड जो है वो है सेम ही आएगा और अगर किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें तो वही नंबर हमको मिलेगा, यही प्रॉपर्टी दोनों है, इसी दोनों प्रॉपर्टी पे आपका ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है ना। ओके 65 79 इज ऑल्सो द राइट आंसर, 65 79 इज ऑल्सो द राइट आंसर ठीक है जी। चलिए लेट्स सी, अब आप अपना मिला लीजिए जो भी आपने बनाया है वो मिलाइए, फर्स्ट नंबर 115 प्लस दिस, अब इस प्लेस पे क्या फिल कर दें ताकि उसका जो वैल्यू आएगा जोड़ने के बाद 150 के इक्वल आए, द आंसर इज इक्वल टू 150 ठीक है, तो 150 में जीरो ऐड करेंगे उसका वैल्यू 150 के बराबर होगा ठीक है, 20 यानी जो नंबर नहीं दिख रहा है जहाँ यहाँ 30 दिख रहा है यहाँ नहीं दिख रहा है, 20 यहाँ नहीं दिख रहा है 20 ठीक है, नंबर इंटरचेंज करके आप 79 प्लस दिस इज 79 कौन सा नंबर ऐड करें ताकि 79 इटसेल्फ नंबर मिल रहा है यानी जीरो वाला प्रॉपर्टी होगा यहां पे जीरो हो जाएगा ठीक है, फिर आपका 85 प्लस दिस इज इक्वल टू 65 प्लस दिस, तो 85 में यहां 65 नहीं लिखा है 65 दे रही थी क्लियर है, तो नई बात समझ में आएगी बात। बन गया सबका, चलिए ओके कैन आई इरेज बोर्ड, कैन आई इरेज बोर्ड, पायल राइट फास्ट ओके वेरी गुड, इरेज कर देते हैं नोट डाउन फास्ट, जल्दी से आप नोट कीजिए
लिया आपने, कैन आई रेज बोर्ड? 13 में नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वरी, रख दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। पहले आपको कॉलम में अरेंज करना है और उसके बाद फिर ऐड करना है। मैंने आज इसे क्लास में बताया था कि कैसे आप कॉलम में अरेंज करके ऐड करोगे, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन ए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका ऐड 3576 कॉमा 4293। सेकेंड है फाइव थ्री जीरो 22 एंड 6। थर्ड इज 5 5 5 5 5 5 5 6। These are three questions. You have to arrange it in column first and then add. ये तीन क्वेश्चन आपको पहले कॉलम में अरेंज करना है और उसके बाद ऐड करना है। समझ गए आप क्या करना है? सभी ने आज पढ़ा है ना क्लास में कैसे करना है? चलिए तो आप ऐड कर दीजिए इसको जी, ठीक है? एडिट, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? राइट मैसेज ऑन चैट बॉक्स, write your answer on chat box, okay? वेट फास्ट, जल्दी से बनाइए। ओके ओके, विराट कुमार का भी आंसर आया है, पायल कुमारी का भी आंसर आ रहा है, सब बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, बट बोर्ड इज क्लियर पायल, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, बोर्ड इज क्लियर, बोर्ड जो है वो क्लियर है। हाँ ठीक है, चलिए ऐड हो गया। व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट एडिशन? फर्स्ट नंबर एडिशन का आंसर क्या है? राइट
राइट मैसेज ऑन चैट बॉक्स। फर्स्ट नंबर एडिशन का आंसर क्या है? ईशान सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देयर इज अ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर देयर इज अ थ्री नंबर्स ठीक है लेट फर्स्ट यू हैव टू चेक दिस थ्री नंबर्स में व्हिच नंबर इज ग्रेटर दिस नंबर इज ग्रेटर हाउ मेनी डिजिट आर देयर देयर इज अ फोर डिजिट तो फोर डिजिट नंबर्स का होता है हमारा 1 10 100 1000 फोर डिजिट नंबर का हमारा 1000 प्लेस होते हैं फोर डिजिट नंबर में 1000 प्लेस होते हैं तो 1000 लिखेंगे अब इसको अरेंज कीजिए ठीक है अरेंज कैसे करेंगे तो 6 इज वन प्लेस नंबर डिजिट तो वन प्लेस के नीचे 6 को लिखेंगे 7 इज 10th प्लेस डिजिट तो 10th प्लेस के नीचे लिखेंगे 500 प्लेस का डिजिट तो 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस पे 3 नेक्स्ट 9 इज वन प्लेस डिजिट तो 9 को वन प्लेस के नीचे लिखिए 2 इज 10th प्लेस तो 2 को 10th प्लेस के नीचे लिखना है 400 प्लेस में तो 4 को 100 प्लेस एंड थर्ड नंबर इज 3 3 वन प्लेस नंबर अब तो कोई नंबर नहीं है अब सारे को ऐड कर दीजिए ठीक है ऐड करने के लिए यहां देखिए ठीक इसमें सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा 6 प्लस 9 प्लस 3 वन प्लेस के डिजिट को एक साथ ऐड करेंगे 6 प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 का 8 लिखे और 1 को कैरी कर दीजिए अब 10 प्लेस का लिखे 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 और जो कैरी था 1 इज इक्वल टू 10 10 का 0 यहां लिखे 1 को कैरी कर दीजिए 100 प्लस देन 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कैरी को हमारा 10 हो गया 10 को कैरी कर दीजिए और 1 को कैरी कर दीजिए देयर इज अ 4 यानी 4008 4008 is the answer of first number question. First number questions का answer कितना आएगा? 4008. ठीक है? Like this इसी तरह से आप second number को भी add कर सकते हो. Second number question क्या है आपका? There is a 530 is the big answer. सबसे बड़ा greater number है. This is the 100 place. यहाँ पे कितने places हैं? 100 place हैं. ठीक है? तो आप 1 स्पेस 10 स्पेस और 100 प्लेस की जैसे 1 स्पेस के बिलो द वी राइट द नंबर्स ऑफ 1 स्पेस 0 10 स्पेस नंबर इज 3 100 प्लेस नंबर इज दिस अब आइए 22 में 2 इज 1 स्पेस 3 2 इज आल्सो 1 स्पेस ठीक है एंड नेक्स्ट इज 6 नाउ ऐड 5 प्लस 3 0 plus 2 plus 6 is equal to 8, right? 8 here. 3 plus 2 is equal to 5, right? 5 here and 5. 558. Okay. Okay, Aditya. Samjhaya kaise karna hai? Board clear nahi hai, Aditya bhi. Board to clear hai, Babu. Baki sab other student getting clear board. चेक योर नेटवर्क फर्स्ट आप अपना नेटवर्क चेक कर लो बाबू ठीक है बोर्ड क्लियर हो जाएगा ठीक और थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका देयर इज अ फोर प्लेस नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देयर इज अ थ्री नंबर्स ऐड कीजिए यहां ठीक है Can you raise board? Can you raise board? Right, 5555. See, 1 place, 10 place, 100 place, 1000 place. 1 place, 5. इस नंबर में 1 प्लेस में 5 है 10 प्लेस में 5 है 100 प्लेस में दिस 5 देयर इज 5 एंड
राइट, एड दिस 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15, 5 लिखिए और कैरी कर लीजिए 1 को यहां पे, फिर लिखिए 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 का 6 एंड कैरी 1, 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 100 प्लस 3 इज 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 का 1 और 1 कैरी कर लीजिए यहां, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, 6 को कैरी कर दीजिए, ठीक है, आ गया ये 6165, कितना आ जाएगा 6165, ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ आया सबको, अभी एनी डाउट, कोई डाउट भी है, नो, ओके, वेरी गुड। तो आप वर्कशीट जो है ना, यू हैव टू डू वर्कशीट 3 और 4 नंबर वर्कशीट बनाइएगा, ठीक है, 3 और 4 नंबर वर्कशीट आपको बनाना है, ठीक है, ओके, ओके, नोट डाउन फास्ट, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ओके, वेरी गुड, नोट कर लीजिए, क्या बात है,